दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी पेन वर्ल्ड मूवी कंगवा का पहला ट्रेलर आ गया है, जो विजुअली स्टनिंग लग रहा है। लेकिन इस ट्रेलर से हमें मूवी के बारे में क्या पता चलता है, चलिए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, कंगवा के ट्रेलर से मूवी तो प्रॉमिसिंग लग रही है, जिसकी हर एक फ्रेम कमाल की लग रही है। चाहे फिर वो समंदर का सीन हो या दोनों कबीले के सीन हो, सब कुछ टॉप नॉच लग रहा है। सभी एक्टर्स अपने कैरेक्टर में काफी दमदार लग रहे हैं, और बॉबी सर भाई बहुत डरावने लग रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच, जब ये मूवी ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज की हो, बट मेकर्स इसे पेनवर्ल्ड रिलीज करना चाहते हैं। और इन सभी में भी मेकर्स ने लगता है कि जल्दबाजी में इस ट्रेलर को बनाया है, क्योंकि अगर आप इस ट्रेलर को हिंदी लैंग्वेज में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खराब डबिंग है इस ट्रेलर की। कौन सी भी आवाज किसी भी कैरेक्टर को सूट नहीं हो रही है, स्पेशली बॉबी सर की वॉइस। इस मूवी को रिलीज होने में अभी 2 महीने बाकी है, और लगता है कि मेकर्स ने अभी इस मूवी को डब करना स्टार्ट नहीं किया है। और इसी बीच हिंदी ऑडियंस में इस ट्रेलर की वजह से नेगेटिव वाइब फैलेगी। अब ट्रेलर से स्टोरी की बात करें तो ये स्टोरी दो कबीलों की आपसी लड़ाई पर फोकस करेगी, जिसमें मूवी का लीड कैरेक्टर विलन से बदला लेगा। अब वो किस बात का बदला लेगा, ये हमें इस मूवी में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, ये एक फैंटेसी साइफाई मूवी है, जिसमें ये पास्ट और फ्यूचर पर फोकस करेगी। जिसमें मेकर्स ने अभी तक जितने भी ग्लिम्स इस मूवी के दिखाए हैं, उसमें सिर्फ हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई है। और इसका एक सेकेंड ट्रेलर भी आएगा, जो इस मूवी की रिलीज के 20 दिन पहले आएगा। उसमें मेकर्स फ्यूचर के भी सीन्स दिखाएंगे तो अच्छा होगा। ट्रेलर से तो मूवी फुल आर रेटेड लग रही है। कैसे बहुत सारे हाथ समुद्र में फेंके जा रहे हैं, तलवार गर्दन में घुसाना, और ये क्रोकोडाइल वाला सीन भाई गजब। और ट्रेलर के लास्ट में हमें ये मिस्टीरियस कैरेक्टर भी दिखाया गया है, ये कौन है आप गेस करके बताइए। मुझे ट्रेलर विजुअली कमाल का लगा, और इसके कॉन्सेप्ट में भी दम लग रहा है। बस मूवी कमाल की होनी चाहिए। ये मूवी 2 पार्ट्स में आएगी, जिसमें इसका पहला पार्ट 10 अक्टूबर को आने वाला है। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मूवी में सूर्या सर हमें 13 डिफरेंट रोल में नजर आएंगे। इस मूवी को 350 करोड़ के ग्रैंड बजट के साथ बनाया है, बट जो हाइप इस मूवी की होनी चाहिए वो अभी भी लग नहीं रही है। तो अगर आपने इस ट्रेलर को देखा है तो आपको ये कैसा लगा, और आप कितने एक्साइटेड इस मूवी के लिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमापंथी।